नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं सिटू सिंह। बिजली को लेकर एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आज हाजिर हुए हैं। आपको बताते चलें कि टैरिफ आर्डर एक जेके गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया, जेके यूटी गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें अक्टूबर 2022 से यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख में जो बिजली के बिल हैं और लगभग 18% जो है वो इंक्रीज किए गए हैं। नवंबर और दिसंबर में ये बिल लागू हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों का हमें फोन्स कॉल आई, बहुत सारे लोगों ने हमसे बातचीत की कि आखिर क्या वजह है, ये रेट बिल क्यों बढ़ाए गए हैं। वो कहीं ना कहीं बिजली विभाग के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो मीटर रीडर हैं वो शायद गलती कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप आम जनता को ये बताते चलें कि जो आर्डर पास हुआ है, टैरिफ आर्डर 2022 है जो अक्टूबर में जो पास हुआ है, उसमें यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख दोनों में जो 18% जितने भी प्रकार के बिल हैं, चाहे वो फ्लैट रेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे जितने भी प्रकार के बिल हो, उनमें 18% की बढ़ोतरी की गई है। इसी विषय पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट और जाना माना चेहरा जो सुंदरवनी के अंदर, कुलदीप मनास जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ ये दावे करती है कि हम बिजली पानी फ्री देंगे, जम्मू कश्मीर में इतने पावर प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर बिजली बनाई जाती है, यहीं पर बिजली तैयार होती है, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की जनता को इतनी बिजली महंगी क्यों, आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर इतनी महंगी बिजली क्यों दी जा रही है जम्मू कश्मीर की जनता को, उसी विषय पर आज इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या राय है इनकी इस पर। सर, आए दिन नया कोई ना कोई नया आर्डर निकलता है, जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली तैयार होती है, सलार प्रोजेक्ट हैं, हमारे किश्तवाड़ के अंदर चिनाब नदी पर बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन लगता है जितने पावर प्रोजेक्ट बनेंगे इतनी बिजली महंगी होती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ परिवर्तन न्यूज़ का। जो सबसे बड़ी बात है कि हम खुश नसीब लोग हैं, हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, जहाँ तक हमें ऐसा लगता था क्योंकि बिजली सोलार प्रोजेक्ट हो जाए, चाहे किश्तवाड़ के अंदर हो जाए, चाहे नहीं बन भी रहे हैं कश्मीर के अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट हैं, तो हमें ये सोच थी कि हमारा जो बिजली का बिल वो सबसे कम होगा पूरे देश भर में, किसी भी स्टेट का बिजली बिल कम आएगा तो वो जम्मू कश्मीर का रहेगा, क्योंकि जहाँ पर पर्याप्त बिजली तैयार की जाती है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कम से कम 60% स्टेटों से जो हमारे बिल है वो ज़्यादा आ रहे हैं। हमारी एलजी साहब से प्रार्थना है कि आप कम से कम जो महंगाई का बोझ ऑलरेडी हमारी जो जनता है वो बोझ डो रही है, ये एक नया बोझ आपने उन पर डाल दिया है। आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं, जहाँ जो आदमी गरीब है तो बहुत गरीब है, जो अमीर है तो वो अच्छा अमीर है। अब जो बीपीएल वाले लोग हैं वो इतना बिल उनके लिए बनना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी मुझे ऐसे परिवार टच होते हैं हमारे साथ जो राशन लेने के लिए उनको परेशानी आती है, जो बीपीएल राशन है वो नहीं ले पाते, तो ऐसे लोगों पर ये अत्याचार बोल सकता हूँ मैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ जनता का, गरीब लोगों का एलजी प्रशासन द्वारा कत्ल किया जा रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ नॉर्मल लोग थे कम से कम 80, 100, 110, 120 बिल आता था आज से 1.5-2 साल पहले, अब 1.5-2 साल के अंदर 400-500 आना हो गया, फ्लैट रेट उन्होंने स्टार्ट कर दिया 450-500, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस घर में एक बल्ब है उसका भी 450, जिसके घर में मैं बोल सकता हूँ 50 बल्ब, LCD, उसके बाद फ्रिज अदर जो भी वो सिस्टम अंदर लगा सकते हैं घर के अंदर लगाए हुए हैं, तो उसके बावजूद उनका बिल कितना आता है, सिर्फ 250-300। मैं बोल सकता हूँ ये प्रशासन आखिरकार ये बिल बढ़ोतरी की जा रही, सरकारी दफ्तरों के बिल उठा के देख लीजिए, इतने बड़े बड़े क्रेशर चल रहे हैं, लाखों रुपए के बिल हैं, लेकिन सरकार की उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सिटू जी, उसी पे आ रहा हूँ, आपने थोड़ा जल्दी मेरे को काट लिया, मैं धीरे धीरे उस पर आ रहा था। आप यकीन मानिएगा, जितने भी हमारे नेतागण हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा बाहर की नहीं, आप एक आरटीओ आके चेक करवा लीजिएगा, सबका बिल पेंडिंग, इसका 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, सबके पेंडिंग हैं। और जो क्रशर वाले जितने भी प्राइवेट सेक्टर बोल सकता हूँ होटलों के, तकरीबन इनके बिल पेंडिंग हैं। ये जो उनका बोझ है आम समाज पर डाल रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में घूमा हूँ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, तो मैंने देखा भी है
कि हमारे लोग अभी इतने कामयाब नहीं हुए कि वो जिनका जो मार है महंगाई की 450 या 600 ना खा सके। प्रार्थना है एलजी साहब से कि थोड़ा आप ऐसा कर लीजिएगा, यदि आपको लगता है कि जहाँ का जो जनता है वो अच्छा है, उनके पास रोजन अच्छा है, कमाई अच्छी है, आप किसी अपने जो सेक्रेटरी में बैठे हुए अफसर को एक बार किसी गांव में भेजिएगा, वहाँ गांव में 2-4 दिन व्यतीत करें और उनका कल्चर जाने, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका कल्चर जाने, उनका कल्चर कैसा है, ये कितने डिपेंड हैं, मजदूरी नहीं है, तो जब मजदूरी नहीं है तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं के बाद, उसके बाद ये आपका 450 बिजली का बिल, 1000 पर गैस पर बच्चे पढ़ाना बहुत ही कठिन मैं बोल सकता हूँ उस समय है जम्मू कश्मीर के लिए। इससे एलजी प्रशासन को निकालना चाहिए था, हमें ऐसा लगा था जब एलजी प्रशासन आया कि हमें काफ़ी यहाँ पर सफल होंगे एलजी साहब और अच्छे अच्छे काम करेंगे और लोगों पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, महंगाई का बोझ कम होगा, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी है कि ऐसा होता हुआ दिखा नहीं, दिन ब दिन नया कोई ऑर्डर सब्सिडी से पास होता है, आज इस चीज़ का बिल बढ़ेगा, कल इसका बढ़ेगा, तो प्लीज़ आप कोई भी ऐसा काम करने से पहले आप, मैं बोलता हूँ कि जो जहाँ का कल्चर है उसको जानिएगा, वहाँ के लोग रहन सहन कैसा है, उसके बाद ही उस चीज़ को समाज के ऊपर लगाएं, नहीं तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैंने सुना था डोडा किश्तवाड़ के अंदर किसी नेता को कि हम बिजली फ्री करेंगे, भाई जान आप बिजली फ्री मत करिए, अब बस जो बिल हमारे आते थे 150-200 गरीब गरीब के, ठीक है हाँ जो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं आप उनका बिजली ले लीजिए एक्स्ट्रा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, इनकी फैक्ट्री है, कंपनी है, वो अच्छा बिल दे, हमें कोई एतराज़ नहीं, उनका सोर्स ऑफ इनकम है, अब जिस आदमी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो कैसे इतना बड़ा बिल कर पाएगा, इनको बच्चे भी पढ़ाने हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आपकी बात कट हो रही है। आपको बता दें कि बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं हर प्रकार के बिल, लेकिन लंपी वायरस डिजीज थी जिन्होंने आम जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनकी कमर तोड़ कर रख दी, किसी गरीब के पास अगर 2 गाय थी उसकी 2 गाय मर गई, लेकिन उसका कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई नेता उन तक नहीं पहुंचा, क्या उनको कंपनसेशन देने के लिए किसी की जिम्मेवारी नहीं है? बिल्कुल एलजी प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार होना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ क्यों नहीं सरकार नहीं है, एलजी प्रशासन ही सब देख रेख जम्मू कश्मीर की कर रहा है, तो मुझे लगा था ये तो होना चाहिए था, अब क्यों नहीं हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहाँ तक मैं केंद्र की सरकार की बात करूँ तो उन तक ये मैसेज पहुँचेगा तो वो जरूर इस पर काम करते भी और करते भी रहते हैं, और मुझे यकीन है वो आपकी ये न्यूज़ के माध्यम से यदि बात पहुँचती है केंद्र सरकार तक तो मुझे लगता है वो इस पर काम करेंगे भी। मगर एलजी साहब को भी सोचना चाहिए, उनके जो एडवाइज़र साहब हैं वो 2-3 महीने कहीं मैंने सुना है गुलमर्ग में रहते हैं, मुझे लगता नहीं गुलमर्ग में रहना चाहिए उनको, उनको कम से कम जम्मू के अंदर रहना चाहिए, कश्मीर में रहना चाहिए। मैंने अब तक रजर साहब का कभी नहीं सुना कि वो सुंदरबनी आए, वो रजौरी में आए, वो अखनूर में आए, हाँ कभी एक आते जाते चक्कर लगाया होगा, उनको आना चाहिए था जब वो एलजी साहब को एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस किस चीज़ की वजह से, कागजी एडवाइस कर रहे हैं, उनको समाज में जाना चाहिए था, समाज क्या कर रहा है, आप यकीन मानिएगा आप कन्फर्म करिएगा कि शायद वो किसी एडवाइज़र का उनके बुकिंग उनके नाम से ना हो वहाँ, और मैं यकीन से कह सकता हूँ मैंने बहुत बार वहाँ चक्कर लगा मेरा गुलमर्ग के अंदर मेरा जाना हुआ, तो इधर कौन आया आज एडवाइज़र साहब आए, फिर हफ्ते बाद गया कौन, आज भी यहाँ एडवाइज़र साहब आए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो हमारा पैसा है उसमें बाहर का आदमी आकर ऐशो आराम करे ये अच्छी बात नहीं है। और नहीं, अगर एक ही गुलमर्ग के अंदर रहते हैं हमारे जे एंड के जो ड्यूटी है, यहाँ पर पहले तो 22 स्टेटें थी लेकिन अब लगभग 20 स्टेटें हैं वो डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या उन 20 डिस्ट्रिक्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट में कोई परेशानी नहीं? नहीं, वही प्रश्न उनको आना चाहिए, गुलमर्ग में आनंद करने जाते हैं जनाब, वहाँ पर जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ का मौसम है उसका आनंद उठाने जाते हैं, वो काम के लिए नहीं जाते, जिन्हें आपको पता था चलो काम के लिए नहीं वहाँ जाते, सिर्फ आनंद लेते हैं। तो मैंने ऐसा भी सुना था किसी ही पार्टी के नेता से, जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने बोला था कि एलजी साहब को कम से कम जहाँ के जम्मू कश्मीर में कुछ लोग अपने स्टाफ में रखने चाहिए, तो जो उनको सुझाव दें जम्मू कश्मीर वाले में जिनको डोगरी आती हो, मैं दावे से बोल सकता हूँ आज भी मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूँगा इसमें 25% लोग भी स्पष्ट हिंदी नहीं बोल पाते, और हमारे लोग ज़्यादा डोगरी पे मैं बोलता हूँ डोगरी में बात करते हैं, तो ऐसे लोग वहाँ के दफ्तर में होने चाहिए, तो तभी जाकर एलजी प्रशासन यहाँ काम जो होगा, क्योंकि वो बाहर के अफसर आते हैं यूपी से बिहार से, मैं मुझे उनसे एतराज़ नहीं है, वो आए डिस्ट्रिक्ट में कामों को जाने, कम से कम जो ऑफिस में मेन लोग हैं वो हमारे भी रहने चाहिए, एक तालमेल बैठना चाहिए, क्योंकि बार कोई आई एस आई पी एस आता है तो हम उनका वेलकम करते हैं,
कि उनके आने से हमारी शोभा बढ़ती है जम्मू कश्मीर की, अच्छे लोग जाएंगे, अच्छे सुझाव देंगे। मगर कम से कम मैं किसी आईपीएस हो, महाराष्ट्र का हो, तो कहीं यूपी का हो या बिहार का हो, अब मैं किसी की बाहर की बात में, मेरी माता जी चले जाते हैं, वो स्पष्ट हिंदी नहीं बोलते हैं, वो डोगरी पे ही मैं ही बात ज़्यादा बात करते हैं, मुझे लगता है कि फिर उनकी बात क्या सुनी जाएगी क्या नहीं, वो तो ना जो मेरी माता बोलेगी वो डीसी साहब सबको समझ में आएगा, जो डीसी साहब ने बोला मेरी माँ को समझ में आएगा। ऐसे लोगों को बीच में लाना चाहिए, कम से कम एक तालमेल बैठे, तो आगे एलजी प्रशासन है इसमें पावर में है, उनको काफ़ी सारे कुछ करने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं फेल होते जा रहे हैं, कुछ काम अच्छे हो भी रहे, जो अच्छे हो रहे हैं उनकी मैं तारीफ करता हूँ। केंद्र सरकार ने एक ही सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ था, अब एग्जैक्ट नहीं हम कह सकते, लेकिन लगभग 4,000 से 40,000 के करोड़ जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सड़कें बन रही हैं यूपी के अंदर, ऐसा नहीं हम कह रहे, लेकिन कुछ ऐसी सड़कें बन रही हैं जो रात को बनती हैं सुबह उखड़ जाती हैं, क्या वो पैसे की बर्बादी नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, आपने ज्ञानपूर्वक बात मुझे बताई है, क्योंकि मुझे पिछले साल का याद है, तो मैं एक इंक्वायरी करने जाता था, मुझे फ़ोन आता है कि आप जहाँ जल्दी आइए, मैं क्या हुआ, जहाँ पर लुक डाली हुई है मगर वो हाथ से उखड़ रही है। जब मैं आया तो मैंने सच में देखा, मैंने लोग झूठ बोल रहे हैं, तो वीडियो भेजा, मैंने सोचा जहाँ कम पड़ी होगी या ऐसे कुछ पड़ी हो, तो देखा मैंने 2 दिन पहले पड़ी हुई लुक, वो हाथ से उखड़ रही है। मैं किसी पार्टी के पक्ष में या खिलाफ नहीं, अपने बचपन की बात करता हूँ, हम सब एक नॉर्मल समाज में रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं गरीब परिवार से था, जब हमें क्रिकेट खेलना होता था हमारी कोशिश होती थी कि बाल तो हम कभी भी लेते थे, जब हमारा कोई बर्तन टूट जाता था तो उसको ऊपर लुक लगाते थे। आप यकीन मानिएगा गर्मियों के दिनों में जब गाड़ी निकलती थी ना, उन लुक के खड्डे पड़ जाते थे उसमें, इतनी लुक पड़ी होती थी। मैं आज से 20 साल की पुरानी बात कर रहा हूँ, हम वहीं से लुक निकाल कर बाले भी बनाते थे, वहीं से लुक निकाल कर हम अपने नहीं पूरा तकरीबन गो ही, तब लोग बर्तन बड़े कम नहीं लेते थे, जिसने एक बर्तन लिया वो लगभग 10 साल चलाता था, तो वहाँ रोडों से लुक निकलती थी, गर्मी को लुक तैयार नहीं करता था। पता नहीं इन लोग की क्वालिटी इतनी और क्यों कर दी है, इसलिए ये अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छी लुक डाल लें, कम से कम ये 10-15 साल चले, हमारा पैसा भी कम यूज़ होगा, तो प्रशासन को भी फायदा होगा और हमारा रेवेन्यू बचेगा, और महंगाई की मात जो कम से कम हो सकती है ये काफ़ी है। आप यकीन मानिएगा, अपना ही जो जीवन है बचपन में सोचिएगा आपने, मैं गावे से बोल सकता हूँ, आपने कभी ना कभी लुक की रोड से उखाड़ कर बाल बनाई होगी, आज यदि आप लुक रोड से निकालनी हो, लगता है मुझे रोड उखड़ जाएगी तो लुक नहीं बचेगी। ये इतनी पोअर क्वालिटी क्यों कर रहे हैं, प्रशासन को देखना चाहिए, क्या इन लोगों रेशो कम कर दिया, तब से रेशो तब से कम किया, फिर रेशो वापस बढ़ानी चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको चीज़ बनाते हो 15-20 साल चलने चाहिए, आप यकीन मानिएगा 1 साल पहले लुक पड़ी हुई है, जहाँ पर इस तरह पड़ी हुई है, उन्हें गया था तो अभी वहाँ खड्डे अच्छे पड़े हुए हैं, तब जो यहाँ के जी साहब थे उन्होंने बोला था हम 7 साल का पेड़ कराएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं है। जो ऐसा करते हैं कि 5 साल का उनका ठेका होता है नई रोड का, ये स्टार्ट करवा देते हैं, टेंकरा करवाते 3-3.5 साल निकाल देते हैं, 4 साल समय बर्बाद करते हैं, लास्ट समय जो आता है तो लुक डाल देते हैं, तब उनके 5 साल पूरे हो जाते हैं, समाज का पैसा जो समाज का है, जो सरकार दे रही है ये पैसा समाज का है, लोगों को टैक्स बढ़ता है, उसी का पैसा जो है वापस यूज होता है, ये पैसा बर्बाद किया जा रहा है। यदि आपको लुक डाली भी है, कोई टेंडर होता है, ठेकेदार को कम से कम 6 महीने में लुक डाल के दे, नहीं डाल के देता तो उसका पैसा रोक लीजिएगा जितना। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप मनास जी, आपको बताते चले कि जिस तरह से बिजली बिल में बढ़ोतरी की गई है, आप ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना कि क्या ये सरकार द्वारा अच्छा निर्णय लिया गया है या सही है या नहीं है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लेकिन एक चीज जो राहत भरी खबर आपको दे दें कि जितने भी 2022 मार्च से पहले जितने भी डोमेस्टिक बिल हैं उन पर जो इंटरेस्ट लगा है, जिन लोगों ने आज तक बिल पे नहीं किया है, जितना भी उन पर इंटरेस्ट लगा है वो सरकार द्वारा माफ किया गया है। आप 2023 से पहले पहले अगर वो बिल अपना जमा करवा देते हैं तो आपका जो जितना भी टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा। बात करें रोडों के ऊपर, बात हुई रात को लुक डाली जाती है, सुबह लुक उखड़ जाती है, और बात करें जो ठेकेदार हैं वो लुक कहीं डालते हैं और फोटो कहीं और से चढ़ाए जाते हैं, आखिरकार क्या प्रशासन इस पर किस तरीके की कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। हमने पहले भी खबर की थी
की लुक कहीं डाली गई है और फोटो उठा के कहीं से रोड के डाले गए हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो जमीनी स्तर पर जाकर चेक किया जाए कि क्या जहां पर उन्होंने तारकोल बिछाई है वहां पर उन्होंने फोटो लिया है या किसी और का रोड का डाला है। इस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और जमीनी स्तर पर इन चीज़ों को चेक करना चाहिए कि क्या जो सड़क बना रहे हैं उसी का वो फोटो डाल रहे हैं या कोई पुरानी रोड बनी हुई है उसका फोटो उठा के डाल दिया, ऑनलाइन चढ़ा दिया और डिपार्टमेंट को भेज दिया, जी हमने ये काम पूरा कर लिया। लेकिन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए जमीनी स्तर पर कि क्या वाकई उस जगह का ये फोटो लिया गया या कहीं और से। आप देखते रहें जम्मू परिवर्तन, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।